से आपका भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी से। खबर है जहां पर गंगा यात्रा आज पहुंचने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है जहां पर गंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तुलसी घाट पर गंगा यात्रा का कार्यक्रम होने वाला है। माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचने वाले हैं। तो 10:15 पर रामनगर के लिए रवाना होंगे। रामनगर से जनसभा को संबोधित करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो 11 बजे वाराणसी से मिर्जापुर रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी से खबर है जहां पर गंगा यात्रा का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा आरती करते हुए नजर आएंगे। सत्ताईस जनवरी को बलिया से प्रारंभ हुई गंगा यात्रा का आज तीसरा दिन है और इस वक्त यह यात्रा वाराणसी में मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं 80 घाट पे। जी हाँ, उसी 80 घाट पे जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है और यहीं से स्वच्छता मिशन के लिए, गंगा सफाई के लिए फावड़ा चलाकर उन्होंने गंगा के प्रति जो समर्पण दिखलाया था, आज वो गंगा यात्रा इसी 80 घाट पे पहुँचने वाली है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम की तैयारियाँ अपने अंतिम चरण में है। यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और गंगा पूजन के बाद इस गंगा यात्रा को अपने अगले पड़ाव के लिए यहाँ से विदाई देंगे। इस वक्त हम 80 घाट पे मौजूद हैं। हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे यहाँ का बेहंगम नजारा दिखलाएं। ये है सुबह बनारस का मंच जहाँ पे गंगा पूजन होगा, गंगा की आरती होगी। सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, अपने अंतिम चरण में है। काफ़ी कोहरा है, ठंड है, लेकिन उसके बावजूद ही सुबह आप देख सकते हैं सुबह से ही लोग यहाँ पे जुटने शुरू हो गए हैं और लोगों को अब इंतजार है कि गंगा यात्रा यहाँ थोड़ी ही देर में पहुँचेगी। साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे जो यहाँ से रामनगर जाएंगे और रामनगर में एक छोटी सी जनसभा है जहाँ से यात्रा को उसके अगले पड़ाव यानी मिर्जापुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। रोहित हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से कार्यक्रम आगे प्रस्तावित हैं, तैयारियां कैसी हैं? देखिए, जो निर्धारित समय है 9:35 पे मुख्यमंत्री यहाँ 80 घाट पे पहुंच जाएंगे। उससे पहले गंगा यात्रा भी जो रात्रि विश्राम के लिए सर्किट हाउस में रुकी थी, सर्किट हाउस से निकल चुकी है, कुछ ही देर में यहाँ 80 घाट पहुंचने वाली है। यहाँ पे गंगा आरती, गंगा पूजन के बाद इस यात्रा को मुख्यमंत्री यहाँ से हरी झंडी दिखलाएंगे और यात्रा के साथ ही रामनगर के लिए प्रस्थान भी करेंगे। गंगा मार्ग पे बोट लगे हुए, स्टीमर लगे हुए हैं, इससे यात्रा यहाँ से रामनगर जाएगी। रामनगर चौराहे में एक छोटी सी जनसभा भी रखी गई है। उस जनसभा के बाद मुख्यमंत्री वहां से मिर्जापुर के लिए यात्रा को रवाना करेंगे। मिर्जापुर में चुनार जाएगी, चुनार के लिए यात्रा को रवाना करने के बाद खुद मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। और भैया